हम आ गए थे अपनी बहन की जांच कराने। क्या जांच कराना आए थे? कुछ हृदय का मार रखी उनको। अच्छा, कब्र उखाड़ने गए थे। अच्छा, हमसे ये गलती हुई थोड़ी सी कि हमने कब्र पहचानने गई वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी कब्र थी। पहले जब हम दफनाने गए थे तो एक कब्र थी वहाँ पर, अब हो गई बहुत सारी वहाँ पर, तो बेपहचान हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उनको मौका मिल गया, उनके नहीं पहचानी नहीं, उनका भाई प्रधान था, तो हमारे भैया से ये कहा उनने कि ये इनने लिए 4 लाख रुपए, इसे मारो, झूठ लिए इनने। उसके कहने पे एकदम पब्लिक भड़की, मुझे पकड़ा सबसे पहले, मुझे मानने लगे मुझे प्रधान ने मारा। हाँ, सबसे पहले प्रधान ने मारा मेरा। कहाँ के प्रधान? हाथ छोड़ते सबने मारा। के आदेश वगैरह सब कुछ हो गए थे। अब यहाँ से एक तो प्रशासन कम गया, दूसरे ये कि गांव वालों ने हम लोगों को वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया। वहाँ कब्र पहचानने पर सब ये बोल रहे थे कि ये मेरे मामा की है, मेरे चाचा की है, मेरे दादा की है। तो जब हमने गांव का माहौल देखा, हमने वहाँ कुछ बोला नहीं। उसके बाद हम लोग कहने लगे भाई हम पहचान नहीं पा रहे, हम वहाँ से चल दिए। चलने के बाद में जैसे हमारे वहाँ से निकलने लगे, उन लोगों ने गाड़ी तोड़नी शुरू कर दी और हमारे भाइयों को मारे। कितने लोग थे आप? क्या पूरा मामला था? कहाँ से आप लोग आए थे? क्यों कब्र खुदवा रहे थे? किसकी थी कब्र? कब्र हमारी सिस्टर की कब्र थी। अच्छा, जिसकी उन्होंने जहर दे कर हत्या कर दी। कब? 22 तारीख 10वां महीना 2017। कितना टाइम हो गया था शादी को? शादी को हो गए करीब 16-17 साल। तो क्या प्रशासन के लोग आपके साथ थे? यहाँ प्रशासन के लोग तो थे लेकिन कम थे। अच्छा, कम थे ये लोग। फिर झगड़ा एकदम कैसे बन गया? एकदम झगड़ा इसलिए बना, एक तो प्रशासन कम था, जो प्रधान आए थे उनके इन्होंने बुलवाए थे जिन्होंने ये घटना करी, तो उन लोगों ने पब्लिक को भड़काया, खुद भी मारा, उन्होंने भी मारा। अभी आप लोग कुछ कोई तहरीर वगैरह थाने में दी? आप लोग थाने में तहरीर दे रहे हैं उनके खिलाफ, एक तो पहला मुकदमा है, ये दूसरा भी मारने में।